इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। तो एक वर्ष पूर्ण हो रहे हैं रथ यात्रा के। गुरुवर मेरे सुधा के सागर आए नगरिया में भाग्य जगाने आए। गुरुवर मेरी नगरिया में गुरुवर मेरे सुधा के सागर दर्शन कर लो पूजन कर लो चरणों का प्रक्षालन कर लो दर्शन कर लो पूजन कर लो चरणों का प्रक्षालन कर लो चरणों का प्रक्षालन कर लो। श्रमण संस्कृति के उन्नायक श्रमण संस्कृति के उन्नायक आए नगरिया में भाग्य जगाने आए। गुरुवर मेरी नगरिया में गुरुवर मेरे सुधा के सागर नगरिया। राजनीति की समस्या नीचे से आती है, पता नहीं चलता कब आ जाती है छापे के समान। सागर ले आए अंतर मन तप ध्यान समाए जन जन के कल्याण को आए जन जन के कल्याण को आए। सागर भरने आए गुरुवर सागर भरने आए गुरुवर मेरी गगरिया भाग्य जगाने आए। गुरुवर मेरी नगरिया में हो मंगल गाओ रे घर घर दीप जलाओ रे आचार्य गुरु के शेष विराजे मंगल गाओ रे गुरु सुधा सागर महाराज विराजे मंगल गाओ रे। बोली सुधा सागर महाराज की जय। जरा जोरदार तालियां कुमारी ख्याति जैन के लिए। और अभी ये जो भजन तो खैर अलग था लेकिन आखिरी पंक्ति जो गुनगुना रही थी वो एक एंथम बन चुका है, गान बन चुका है पूज्य गुरुदेव का। नगर में हर कोई उसे गुनगुनाता है। और हमारे मध्य कटनी जैन पंचायत से श्री संजय जी, पीयूष जी, मनीष जी और दीपी शैलेश जैन जी आए हुए हैं, यहाँ श्रीफल अर्पण करेंगे। और मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय प्रदीप जी, अमित जी, नीरज जी से आप सभी का सम्मान भी करेंगे। आदरणीय प्रदीप जी हमारे कटनी के अतिथियों का सम्मान करेंगे, संजय जी, पीयूष जी, मनीष जी, दीपू जी और शैलेश जी का। और एक और सूचना यहाँ पर देना चाहेंगे, असीमकालीन भक्तांबर विधान के लिए क्रियांश जैन के जन्मोत्सव के उपलक्ष में विजय कुमार, स्नेहलता जैन, हिमांशु निधि, अनुराग जैन, प्रीति जैन, क्रियांश जैन सपरिवार के द्वारा सांगानेर के लिए भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। एक बेटी की को गोद लेने का भी आपने घोषणा की है। अनुराग जैन, प्रीति जैन सांगानेर जयपुर के लिए बहुत बहुत, ये मुंबई से आता है परिवार, बहुत बहुत साधुवाद। और थोड़ा सा सेंटर में चले जाएं, पूज्य श्री के समक्ष हमारे कटनी के प्रमुख लोगों का सम्मान करते हो। और आपकी जोरदार तालियां चाहेंगे साथियों। और समय हो चुका है प्रवचनों का और सीधे अनुरोध करेंगे पूज्य श्री से कि अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रह करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मान जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की दुनिया में जन्मना सरल है, जीना मुश्किल है। दुनिया में मरना सरल है लेकिन जीवन कठिन है। जन्म और मरण ये तो होंगे ही होंगे, तुम चाहो या ना चाहो। प्रकृति तुम्हें कहीं रुकने नहीं देगी, तुम्हें जन्म मरण तो करना ही होगा। इसलिए वो सरल है, प्रकृति के हाथ में जो कुछ भी होता है वो कठिन नहीं होता। प्रकृति हर चीज को मैनेज करके चलती है। वह तुम्हारी समस्याओं से प्रभावित नहीं होती। तुम जहां जन्मना नहीं चाहे थे, प्रकृति कहती है वहीं जन्मोगे तो जन्मोगे। तुम मरना नहीं चाहे थे, प्रकृति कहती है तुम्हारी कोई भी समस्या हो मौत तो होगी। मौत आती है तो यह नहीं देखती कि अभी तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। वो तो कहते हैं मेरा निर्णय हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन जीना कठिन हो रहा है क्योंकि कि जीने में जीवन में जीने में छह तरफ से कठिनाइयां आती हैं। उसको दस दिशाएं भी मानते हैं, अपन छह समझते हैं। एक जिंदगी खुशहाल करने के लिए हमें छह दिशाएं सही करना है। छह दिशाएं हमारी जिंदगी में खटास ला देती है, छह दिशाओं से हमारी जिंदगी रंग में भंग हो जाती है, छह दिशाओं से लोग हमारी साफ जिंदगी को गंदा कर देते हैं। कल ही हमने प्रवचन दिया था महिलाओं को, तुम्हारी जिंदगी जैन कुल में तुम जन्मे हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन तुम अच्छे रह पाओगे ये नहीं कह सकते। तुम घर से शुद्ध कपड़े पहन के चले हो, तुमने सवेरे शुद्ध कपड़े पहने हैं, शाम तक तुम शुद्ध रह पाओगे ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। तुम शुद्ध रह पाओगे दूसरा शुद्ध रहने देगा तब ना। एक अंधा लालटेन लेके जा रहा था,
उसने कहा भाई सूरदास जी, आप तो पूरे अंधे हैं, आपको लालटेन से क्या मतलब है? तो बोले ये मेरे लिए नहीं है, ये सामने वाले को है कि वो मेरे से न टकरा जाए। यानी अंधे से प्रकाश से आंखों वाले ही नहीं बचते हैं, प्रकाश से अंधा भी बचता है। सामने वाले से ठोकर मार दो, ये संसार ऐसे ही है। तुम कितने भी सावधान रहो, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें शुद्ध किया, कल बताया था, लेकिन जिंदगी भर तुम उतने ही शुद्ध बने रहोगे जितने शुद्ध तुमने जन्म लिया था। जितना तुम शुद्ध कुल में जन्मे थे, तुम कुलीन बने रहोगे ये गारंटी नहीं है। तुम जैन जाति में जन्मे हो, जैन बने रहोगे गारंटी नहीं है। साधु दीक्षा ले लेता है, जिंदगी भर साधु बना रहे, बहुत कठिन, बहुत दीक्षा लेना कठिन नहीं है। हर साधु दीक्षा के समय शुद्ध ही होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिंदगी भर वह साधु बना रहे बहुत दुर्लभ है। क्योंकि छह तरफ से हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं। दो तरफ की समस्याओं पर अपन ने प्रकाश डाला था, एक नीचे से और ऊपर से। दो समस्याएं जो थी, ऊपर की समस्याएं जो थी वो हमारी किस्मत की थी। आज किस्मत मुझे अच्छा दे रही है, लेकिन वो किस्मत सदा ही अच्छा देती रहेगी ऐसी नहीं। ये किस्मत भी बहुत बदमाश है। किस्मत बदमाश नहीं, हमने किस्मत बदमाशी से लिखी है। जो बदमाश बच्चे होते हैं ना इकोनॉमिक्स वाले, वे पहला पन्ना बहुत अच्छा लिखते हैं और आखिरी पन्ना अच्छा लिखते हैं, बीच में पिक्चर की कहानी भर देते हैं। हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। कई लोगों की आदत है पहले अच्छा करो बाद में तो सब चलेगा। तुम लोग भी गृहस्थी में यही करते हो, कोई भी गृहस्थी शुरू करो, शुरू में बहुत अच्छे रहोगे बाद में सब कचरा कर लोगे। तो सबसे बड़ी है ऊपर से जो हमारी किस्मत, पूरी जिंदगी भर हमें जिस जोश जिस उत्साह के साथ जिस पवित्र कुल में हमारा जन्म दिया, ये किस्मत ना जाने क्या क्या करा डालती है, क्या क्या करा डालती है। सुबह उठकर के कोई क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं कहां से इतना क्रोध आ जाता है कि व्यक्ति गया था कुछ करने के लिए, शाम को मैं खुशी खुशी लौटूंगा और शाम को वो जेल में मिलता है। किस्मत बहुत, पूरी जिंदगी भर किस्मत हमारी एक सी बनी रहे, एक सी बना के रखना बहुत कठिन। दूसरी किस्मत है कि हमें राजा अच्छा मिल जाए, राजनीति अच्छी मिल जाए, वो नीचे की समस्या है। राजा की और राजनीति की समस्या नीचे से आती है, पता नहीं चलता कब आ जाती है, छापे के समान है। उसके संबंध में अपन दो तीन दिन पहले चर्चा कर चुके हैं कि अपने नीचे की देखो, जमीन में कहीं सुरंगें तो नहीं लगी हैं, नीचे से तो देखो कोई कूटनीति लागू तो नहीं हो रही है, राजनीति हमें खोखला तो नहीं कर रही है। राजनीति की नींव मजबूत करो, राजगद्दी पर अपना व्यक्ति बैठा लो या स्वयं बैठो।
राज के पर अपना व्यक्ति बैठा लो या स्वयं बैठो, नहीं तो ये राजनीति मिटा देगी। बड़े बड़े मुनियों को मिटा दिया इसने, बड़े बड़े मुनियों को भी परास्त कर दिया इसने। हमने बताया था कि राजनीति ऐसे ही मत समझना धर्मात्मा लोगों, तुम कितने भी धर्मात्मा बन जाना लेकिन राजा और राजनीति गंदी है, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कंस जैसा व्यक्ति धर्मात्माओं से सबसे ज्यादा चिढ़ता था, साधु संतों से अपना रथ खिंचवाता था, हंटर मारता था। राजा कुछ नहीं कर पाए, राजा के ऊपर मंत्र तंत्र नहीं चलते, राजा के ऊपर मंत्र तंत्र नहीं चलता है, राजा के ऊपर शक्तियों का प्रयोग नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी मंत्र शक्ति राष्ट्र को या राज चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती, और राजा को नष्ट करेगा चिन्ह को नष्ट करेगा, राजा नष्ट होगा और चिन्ह को बचाना है। राज चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह पर मंत्र शक्ति काम नहीं करती। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं महानुभाव, ध्यान में आ गया। तो राजा यदि अपना राज चिन्ह हाथ में लिए है, राजा राज गद्दी पर है और उसका मुकुट राजा का है, चिन्ह राजा का है, कोई भी मंत्र आप फेंक देना वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र शक्ति राष्ट्र चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती, राष्ट्र चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती। और राष्ट्र चिन्ह को नष्ट करेंगे तब राजा को नष्ट कर सकते हैं, और जब राजा को नष्ट करेंगे तब राज चिन्ह नष्ट हो जाएगा। बड़ी आफत है, राजा को नष्ट करें तो राज चिन्ह का नष्ट होगा, क्योंकि राजा गिरेगा तो राष्ट्र चिन्ह धूल में मिल जाएगा। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो उस मंत्र का सर्वनाश और मंत्र देने वाले का नाश हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र और राष्ट्र की तरफ से लड़ने वाला सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती, चाहे दुष्ट राजा के पक्ष में लड़ रहा हो, अन्याय के पक्ष में लड़ रहा हो, चाहे रावण का सैनिक क्यों ना हो। कर्म सिद्धांत ने, प्रकृति ने, नीतिकारों ने कहा सैनिक सब बराबर होते हैं, सैनिक कभी भी पापी नहीं होता। भले रावण का सैनिक है, भले रामचंद्र जी का सैनिक है, भले हिंदुस्तान का सैनिक है, भले पाकिस्तान का सैनिक है, सैनिक है बस। सबकी दोनों सैनिक मर रहे हैं, दोनों एक ही गति को प्राप्त होंगे। ये तो अन्याय के पक्ष में लड़ रहा है, नहीं वो सैनिक है, वो राष्ट्र के पक्ष में लड़ रहा है, राजा की आज्ञा है। रावण का सैनिक लड़ रहा है, अपन उसको ले ले, अन्याय पक्ष में लड़ रहा है सबको मालूम है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, वो राजा की आज्ञा में लड़ रहा है और राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। और राजा की आज्ञा मानना अधर्म नहीं हो सकता। जैन दर्शन ने इसे किया, स्वीकार किया, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध में आप नहीं चलोगे, कानून के विरुद्ध में आप नहीं चलोगे। वहां ये नहीं लिखा कि दुष्ट राजा के विरुद्ध में या अच्छे राजा के विरुद्ध में, वहां ये नहीं लिखा। टीकाकारों ने भी नहीं लिखा कि दुष्ट राजा के विरुद्ध में या अच्छे राजा के विरुद्ध में, उन्होंने कहा राजा है ना
बस राजा के विरोध में आप नहीं चलना। तो एक सैनिक को सबसे बड़ा पुण्य लगता है वो राजा की आज्ञा मान रहा है, वो राजा की आज्ञा, और वो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। वो न्याय अन्याय के लिए तो राजा लड़ता है, सेना न्याय अन्याय के लिए नहीं लड़ती, वो राष्ट्र के राजा के लिए लड़ती है। न्याय अन्याय सैनिक के मन में आते ही नहीं है, वो तो कहता है राजा की आज्ञा है बस है। सैनिक को सिखाया जाता है तुम्हें ये नहीं देखना है कि किस पे गोली चलाना है, तुम्हें ये देखना है गोली का चलाने का आदेश किसने दिया। सैनिक का कानून है, पुलिस वालों से ज्यादा सैनिक को आप देखना। सैनिक को कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है गोली चलाते समय देखना किसको किसको चला, बोले नहीं तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है गोली चलाने का आदेश किसने दिया। यदि एक कमांडो की टुकड़ी है और सामने राष्ट्रपति है और कमांडो ने कह दे शूट, सैनिक गोली मार देगा। अरे राष्ट्रपति है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि मुझे कमांडर का आदेश मानना, उस पर कोई केस नहीं होगा, कोई धारा नहीं लगेगी, सैनिक कोर्ट से बरी हो जाएगा। वो कहे साहब मैंने तो कमांडर का आदेश माना है, कमांडर ने कहा चला दो, वो चला देगा। बहुत बार ऐसे हुए हमारे देश में, कमांडो ने गलत आदेश दिया, दिया मार दिया। यहां तक कि कमांडो वाले सैनिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बंदी बना सकते हैं, बंदी बना लेंगे, बस उनके सेनापति आदेश दे दे कि राष्ट्रपति भवन को घेर लो, राष्ट्रपति को बंदी बनाना, बंदी बना लेंगे। प्रधानमंत्री बंदी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बंदी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बंदी बन जाते हैं। भारत देश में हुआ था जयललिता, मुख्यमंत्री पद पर बंदी बनाई गई थी, उसी के प्रांत की सेना ने पुलिस ने बंदी बनाया, मैडम चलना होगा, आइए मुख्यमंत्री, बोले साहब ये नहीं चलेगा मेरे आदेश से मेरे बॉस का। पाकिस्तान में मुशर्रफ को प्रधानमंत्री पद पर बंदी बनाया गया था। इसको मैंने शास्त्रों से तोला तो शास्त्रों में यही मिला, विरुद्ध राज्यातिक्रम। यदि राजा को हराना है, राजा पे अपना वश चलाना है, तो पहले राज चिन्ह से अलग करो। मंत्र नहीं चलेगा, तंत्र नहीं चलेगा, कोई भी दुनिया का देवता वश में कर लो और तुम कहो कि इस राजा को, तो वो कहेगा साहब वो अभी राजा है, राष्ट्र का राजा है। जानागम में एक कथन आता है कि एक साधु ने बहुत सारी विद्याएं सिद्ध कर ली और बहुत अत्याचार करने लगा, बहुत अत्याचार करने लगा, जनता परेशान, सारी प्रजा परेशान, सारे साधु संत परेशान, क्या करें। सभी साधुओं ने संतों ने सबने देवता बुलाए, देवता कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास देवता है दूसरा देवता कुछ नहीं करेगा, एक देवता दूसरे देवता को फटकार नहीं लगा सकता, एक देवता दूसरे देवता को कुछ भी नहीं बोल सकता। बोले मेरा जात भाई देवता। तब क्या फैसला हुआ, जिस समय ये गलत कार्य करता है अत्याचार करता है व्यभिचार करता है उस समय देवता इसके पास नहीं होते। देवताओं की पॉलिसी देखना, देवताओं का शब्द देखना,
किसी व्यक्ति के साथ सिद्ध हो जाए, लेकिन जब देव राजा गलत कार्य करता है सिद्ध वाला देवता अलग हो जाते हैं। उस समय देवता नहीं थे, उस समय मार सकते हो, और उस गलत कार्य करते समय उसको मार दिया गया। पूरी कहानी नहीं सुना रहा, वहां ये सिद्ध होता है कि गलत कार्य करते समय देवता भी उसके पास नहीं होते, लेकिन मारोगे जब तुम, जब देवता नहीं होंगे, देवता है तो तुम मार नहीं सकते। राजचिन्ह उसके पास है, मंत्र शक्ति देव शक्ति काम नहीं करेगी, फिर तुम्हें उसको लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। शस्त्र से मार सकते हो, मंत्र से नहीं, क्योंकि वो राजचिन्ह से युक्त है। राजचिन्ह से, इसलिए हमारे लिए जो 15 तारीख को मैंने कहा चुनाव करते समय त्यागी वृत्ति वोट नहीं डालते, जैनी वोट नहीं डालते, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आगम विरुद्ध है। उस दिन तो हमने इतना तक कहा जो वोट डालने नहीं जाए उसे समाज से बाहर कर दो, समाज से बाहर कर दो। वोट डालने क्यों नहीं गए तुम? मैं बोल तो गया, बाद में सोचा कहीं जिनवाणी माँ मेरे कान नहीं खींचते, क्या बकता रहता है, बहिष्कार हूं। वोट नहीं डालने वाला तो बहिष्कार। चुनाव सभा में, समाज की मीटिंग में निर्णय हुआ, कोई नहीं गया, बहिष्कार कर दो, यही बोला था मैं। बहुत कठोर शब्द, आज तक कोई नहीं बोला। मैं भी कई बार बोलने के बाद थोड़ा सा डर जाता, मुझे और किसी का डर नहीं लगता, गुरु का और जिनवाणी माँ का डर लगता है और जिनेन्द्र का डर लगता है। बस मेरे जिंदगी में एक ही बात मेरे जिंदगी में है, कभी मेरे इस मुख से जिनवाणी के विरुद्ध बात ना निकल जाए, बस जिनवाणी के विरुद्ध नहीं निकल जाए, आगम विरुद्ध कोई शब्द ना निकल जाए, बस एक ही बात की मुझे चिंता रहती है। इसलिए मैं अपना प्रवचन खुद गौर से सुनता हूं, इसलिए सुनता हूं कि कहीं ऐसा ना हो। और ये बात मुझे पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनने में मिली। एक बार राजस्थान से कुछ कंजाइस्ट लोग हमारी FIR लिखाने गए आचार्य के पास कि महाराज ने ऐसा बोला, महाराज ने ऐसा बोला, और इतना कठोर बोला कि हम लोग सभा में होते तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे। वो बोला रतनलाल जी, बनर्जी वगैरह सब बैठे थे वहां, खूब बोला जम के, जितनी धाराएं लग सकती थी सारी धारा लगवाने के लिए। साहब ये भी कहा उन्होंने, साहब ये भी बोला उन्होंने, उन्होंने ये भी बोला, पूरे नोट करके आचार्य जी सब सुनते सुनते एक शब्द बोले। हमारे आचार्य जी तो कम ही बोलते हैं, सुनते बोले, बोले आपने जो बोला ये तो बता दिया, बस एक बात बताओ, आगम विरुद्ध तो नहीं बोले? सब स्तब्ध रह गए, आगम विरुद्ध तो नहीं बोले? आगम विरुद्ध बोले हो तो वो कैसेट ला देना और आगम ला देना, मैं तुरंत आदेश दे दूंगा आगम विरुद्ध बात क्यों बोली आपने। मैंने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, मैंने तुम्हें आगम पढ़ाया है तो आगम विरुद्ध क्यों बोले तुम? जो आगम में से घटित नहीं होती है क्यों बोले? फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रायश्चित भी दूंगा और मना भी करूंगा। क्या गजब है रे, मेरा मेरा पुण्य बहुत तेज मान लो। पहले मैं अपने आप को इतना पुण्यवान नहीं मानता था,
गजब का पुण्य मेरा, गजब का पुण्य। जो FIR लिखाने गया वो क्या बोलता है? नहीं नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। अरे भला आदमी झूठ बोल दे ना आगम वृद्ध बोल दे तो FIR दर्ज हो जाएगी। अब देखो मेरे पुण्य ने कहा देख बेटा सब कह दिया लेकिन अब आचार्य जी ने पूछा है आगम वृद्ध तो नहीं बोला, तो वो खुद कहता नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। अब क्या FIR पे FIR लग गई कि नहीं? FIR पे तुरंत FIR तुरंत। यदि ये कह देता वो नहीं पूरा आगम वृद्ध ही बोलते हैं तो शायद मेरे ऊपर जांच बैठ जाती, मेरे ऊपर जांच बैठती, मेरा प्रवचन भी जांच में आता, बैठ जाती जांच। लेकिन कोई बात नहीं हमें चिंता नहीं है, जांच भी बैठ जाती, जांच के बाद हम बरी होते, लेकिन बरी तो होते। कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई FIR के बाद सबको सजा ही मिल जाती हो, कोर्ट से जीतते। अब आचार्य से जब प्रवचन सुनते, कौन से प्रवचन में क्या बोले बोलो सुनते, उसके बाद मुझे दावा है सारी दुनिया से मेरा कहना है आज तक किसी भी प्रवचन में कभी भी आगम वृद्ध बात लगे तो लाकर मुझे दिखा देना और मेरे गुरु जी को बता देना। आगम वृद्ध बात हो तो मेरी FIR दर्ज जरूर होना चाहिए और मैं ऐसी FIR पर कोर्ट लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तैयार हूं और मुझे विश्वास है मैं अपने दम पर, आज तक मेरे मुख से कोई आगम वृद्ध बात नहीं निकली इसलिए कोर्ट से भी मैं जीतूंगा। लेकिन कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, मैं तो पुण्य वो पुण्य है तुरंत FIR के बाद FIR बोलते ना उसमें FIR बोलते ना। तुरंत आचार्य ने कहा आगम वृद्ध नहीं बोले आपने कहा है तो मैं नहीं रोक सकता हूं, बोलने की शैली अपनी अपनी अलग होती है, आगम अलग नहीं होता शैली अलग होती है, टोन अलग होगी आगम अलग, आगम वृद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे रतनलाल जी बनर्जी ने सुनाया और महाराज जी आपके ऊपर आचार्य जी का भी गजब का विश्वास है। गजब गजब माने कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, उन्होंने जो सच्चा ज्ञान दिया है वो सच्ची शिक्षा पर विश्वास है। मैंने शिष्यों को सच्चा ज्ञान दिया है, सच्ची शिक्षा दी है, सच्चा संस्कार दिया है, कितना भी स्वार्थ हो कभी आगम वृद्ध बात नहीं बोलना, और कभी भूल जाए और बाद में पता चले तो तुरंत उसे वापस ले लेना, प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना, मैंने बोल दिया तो नहीं, तुरंत वापस ले लेना प्रतिक्रमण के साथ, तुरंत ठीक है गलती हो गई आगम से ठीक नहीं है, तुरंत वापस ले लेना। और मैं कई बार बोल चुका हूं आज भी बोल रहा हूं, पहली बात तो आगम वृद्ध कभी बोले नहीं और कभी लगे तो मेरे पास ही भेज देना, थाने जाने के पहले मेरे पास भेज देना कि महाराज ये आगम है और ये आपका प्रवचन है, इन दोनों में इतना फर्क है आगम वृद्ध है तो तुम मेरा ही चमत्कार देखना, कभी करके देख लेना, तुरंत दोपहर में बताओगे तो शाम को, शाम को बताओगे तो सुबह, मैं खुले माइक से अपना शब्द वापस लेकर के क्षमा मांगूंगा और जिनवाणी के सामने हाथ जोड़ूंगा तस्मि क्षामि दुक्कड़म। कितनी ही बड़ी प्रेस्टीज क्यों ना हो आगम की सहमति से, आगम के सम्मान से बड़ा मेरा सम्मान हो ही नहीं सकता। आगम वृद्ध नहीं होना चाहिए। जब मैंने सोचा मैंने बोल तो दिया कि जो वोट डालने नहीं जाए बहिष्कार करो, जो चुनावी सभा में जब जैन समाज की सभा हो बहिष्कार करो, पर बाद में जाके मैंने आगम टटोला तो शास्त्रों में भी मिल गया ब्रज राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध में नहीं जाना भले तुम सम्यक दृष्टि हो,
सम्यक दृष्टि हो, राजा के विरोध में मत जाना। वृत्ति के लिए कहा वृद्ध राज्यातिक्रम, प्रतिमाधारी के लिए कहा वृद्ध राज्यातिक्रम, हम मुनियों के लिए कहा राजा के विरुद्ध कोई कार्य मत करो। राजा के विरुद्ध अब क्या करें, और राजा दुष्ट है, राजा गलत है, तुम्हारे वोट नहीं देने से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, जैन समाज अच्छी समाज है, और तुम्हारे वोट नहीं देने से अच्छा राजा नहीं चुना गया, ये अपराध तुम्हारे लिए है। जिन्होंने वोट नहीं दिया, गंदे लोगों ने वोट दिया, गलत लोगों ने वोट दिया और गलत जीत गए, हो सकता है कि नहीं ऐसा? गलत लोगों ने वोट दिया, गलत व्यक्ति जीत गया, अब वो अपने काल में जितने अनर्थ करेगा, जितना गलत कार्य करेगा, ये दोष उनको जाएगा जिन्होंने अच्छे आदमी को नहीं चुन करके वोट नहीं दिया, उनको तो जाएगा। जिन्होंने गलत को वोट दिया, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, राजनीतिक चेतना मंच वाले सुने और जनता सुने, मंच वाले नहीं। गलत राजा चुना गया और गलत राजा को तुमने चुनने के लिए तुमने वोट नहीं दिया, तो उनको तो लगेगा दोष जिन्होंने चुना है, लेकिन जो वोट डालने नहीं गए वे भी उस दोष के भागीदार हैं, क्योंकि मौन भी कभी कभी विरोध होता है। और शिवा खेड़ा ने कहा, सबसे बड़े दोषी वो नहीं है जो गद्दार हैं, सबसे बड़े दोषी वो नहीं है जो नेता हैं, सबसे बड़े दोषी वो नहीं है जो वोट डालने वाले गलत लोग हैं, सबसे बड़ा दोषी वो है जो मौन घर में बैठा है। तुम्हें जाना चाहिए कौन अच्छा है, ये निर्णय तुम कर सकते हो। गंदा आदमी कभी अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करता, वो तो बिक जाएगा एक शराब की बोतल में, वो तो बिक जाएगा एक साड़ी में, वो तो बिक जाएगा एक मोबाइल में, लेकिन तुम जैनी हो, ये शराबें बढ़ती हैं चुनाव के समय, कौन सी समाज में बढ़ती हैं? निम्न लोगों में, मजदूरों में, जो नीच क्वालिटी के लोग होते हैं, जो शराबी जुआड़ी कबाड़ी होते हैं, सवारी शराबी जुआड़ी कबाड़ी नहीं, कबाड़ी तो अच्छे होते हैं जुआड़ी नशेड़े गंजेड़े भंगेड़े, कबाड़ी तो अच्छे लोग, बहुत महाजन लोग, बहुत अच्छे लोग जैनियों में भी होते हैं, जुआड़ी नशेड़े भंगेड़े, जितने राजनेता गंदे राजनेता जो करके देते हैं वो उन्हीं लोगों को मानते हैं, उन्हीं में शराब बांटेंगे। आगरा में बताओ जितने जैनी यहां बैठे हैं, किस नेता ने तुम्हें कुछ बांटा है? कोई तुम्हारे दरवाजे आया, साहब ये मोबाइल पकड़ो, साहब महिलाओं से कहा ये साड़ी पकड़ो। मैंने पूछा, मैंने कहा ये बढ़ता कहाँ है और लेता कौन है, इनको तो पकड़ो पहले, लेता कौन है? तो कई जैनियों से मैंने पूछा, तो बोला हमारे मोहल्ले में तो कभी नहीं आया। मनोज जी, आपके घर में कोई नेता कोई ले देकर वोट लेने आया हो? आ ही नहीं सकता, जैनी के दरवाजे किसी नेता की मजाल नहीं है कि वोट को खरीद फरीद करके गलत वोट डलवा दे, क्योंकि जैन समाज अच्छी समाज है, वो अच्छों के दरवाजे नहीं जाते, वो जाते गंदे के दरवाजे, पियक्कड़ के दरवाजे, नाली में पड़ा रे एक और पी, लेकिन वोट कल मुझे डालना होगा, कहता डालूंगा साहब आप तो बोतल लाओ। चैनी को ना बोतल की जरूरत है,
मोबाइल की जरूरत नहीं, वो क्या मोबाइल देगा 2-5 हजार का, वो तो वैसे ही 1 लाख का हाथ में लिए, उसके बाद तो 4-4 मोबाइल, वो क्या देगा, क्या बिकोगे तुम? जैनी कभी नहीं बिकता और वो खरीद भी नहीं पाते। और जैनी को हमेशा गर्व करना चाहिए, मैंने उस दिन बताया था एक दिन और, कभी भी खरीदने वाले जैनी तुम्हें कुछ भी देवे कभी खरीदना मत, कभी खरीदना मत। बोट में कभी बिकना मत, बोट कभी खरीदने वाले को देना मत जितने खरीद, और बल्कि जो तुम्हें देवे खरीदे, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, यदि कोई कभी कुछ कजाजत तुम्हें देवे, हिसाब तो ले लीजिए, तुरंत जाकर के उसकी FIR दर्ज करा देना, तुरंत इन्होंने हमें बोट खरीदने का प्रयास किया है, तुरंत करा देना, बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा। मैं कहता हूं करोड़ों रुपया दान दोगे तो उतना पुण्य नहीं है, करोड़ों रुपया पूजा करोगे तो उतना पुण्य नहीं है, लेकिन जो चुनाव में खड़ा है, यदि वो तुम्हारे लिए कुछ लेन देन कर रहा है, संसार का सबसे बड़ा पापी वो है। और ऐसे पापी से जो लेन देन कर लेगा वो भी सबसे बड़ा पापी है। भीख मांग ले और भीख न मिले तो मर जाना, लेकिन वोट के बदले कुछ लेना नहीं, लेना नहीं, किसी भी हालत में नहीं लेना। और कोई जबरदस्ती घर में छोड़ जाए तो देखते ही तुरंत झाड़ू लगा करके कचड़े में फेंक देना, मेरा कहना मान जाना, यदि तुमने उसको लेल छू लिया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम देश द्रोहियों में आओगे, समाज द्रोहियों में आओगे, जात द्रोहियों में आओगे, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। अभी प्रवचन चल ही रहे थे राजनीतिक मंच के कार्यक्रम में, और मैंने ये बोला, अभी ललितपुर में चुनाव हुए समाज के, वहाँ एक पक्ष ने लेन देन चालू कर दिया, गजब मुझे गर्व है, भक्तों ने वो लेन देन उनके मुंह पे मार दिया और ये कह दिया मालूम मैं किस गुरु का चेला हूं। सुनिए ये क्या है, जो पहले ले चुके थे मेरे बोलने के पहले, वे गुल्लक में डाल हुए पहुंच गए, उन्होंने कहा कि मैं तो ले चुका, अब क्या करूं, फेंक दूं सड़क पे, तो सड़क पे फेंकने की हिम्मत तो नहीं हुई, गुल्लक में डालने की हिम्मत जरूर हुई। उसने मेरे पास प्रायश्चित लिया, मेरे पास समाचार भेजे, तब मुझे लगा कि जैन समाज में भी ऐसे लोग हैं, जैन समाज में इतने गंदे नेता हैं। उस ललितपुर समाज में जहां पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे 4-4 चतुर्मास हुए, जैनियों में भी इतने निकृष्ट लोग हो गए। कलयुग आ गया रे, कलयुग आ नहीं गया, षडयुग आ गया। जैन समाज, ललितपुर के जैन समाज में एक पक्ष ने रुपए बांट दिए, लेकिन गर्व है कि जैन समाज ने औकात दिखा दी उनको, ऐसी उल्टी लगाई पलटी कि पैसा भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया। आचार्य श्री के आशीर्वाद को बदनाम करना, अरे हमारे गुरुदेव तो वो हैं जो सत्यमेव जयते, हमारे गुरु का भक्त वो है जो चुनाव में भी खड़ा ना होवे तो भी जीत जाता है। किसी से कुछ नहीं मांग, कुछ नहीं करे, लोग उसके घर बुलाने आ जाएंगे। आचार्य श्री का आज जब प्रैक्टिकल कर लो, यदि आचार्य श्री ने कह दिया मेरी इच्छा है कि फलाने क्षेत्र का अध्यक्ष वो बने, और वो बनना नहीं चाहता, घर में बैठा है,
बोलो अपन सब कहां पहुंच जाएंगे? आचार्य सिंह ने नाम लिया उसको, उसके विरोध में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ गुरुदेव के निर्णय को नकार देवे। सारी समाज घर बैठ के नहीं, आपको बनना पड़ेगा साहब, मैं नहीं बनूंगा। आप बनोगे नहीं, मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया है कि उसे ही बनाना है। ये है हमारे गुरु का आशीर्वाद, जिस तरह वित्त कहते ही नहीं किसी को, किसी को नहीं कहते। जहां उनके अधिकार भी होते हैं ना, लोग बोलते महाराज जी आपके मुंह से जो निकल जाए हम मानेंगे। आचार्य जी कहते भैया मैं नहीं बोलता। जब मैंने जब सुना, मैं तो ये उपदेश दे रहा था राजनेताओं को, जो गंदे लोग खड़े हुए जो राजनीति चलती उनको लक्ष्य करके दे रहा था, लेकिन ये तो पता चला कि महाराज जी पहले आप अपनी जाति संभाल लो, पहले ये संभालो क्या हो रहा है। एक बार मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आया जब हरिवंश राय बच्चन की मैंने एक मधुशाला पढ़ी, एक मधुशाला लिखी हुई बच्चन जी के पिताजी, उन्होंने एक शब्द लिखा, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं वकीलों को बुलाऊंगा ये कैसे लिखा है उन्होंने, मंदिर मस्जिद बैर कराते। हमारे मंदिर तो वो हैं जो शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा मंदिरों बना शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं, ये है हमारा धर्म, और आप ऐसा लिख रहे हो गलत है। वो तो मैं वकीलों से सलाह करने वाला था, पहले मैंने सोचा थोड़ा सर्वे तो कर लूं। सर्वे किया तो आज पूरे देश में सबसे ज्यादा विरोधाभास मंदिर और मस्जिदों को लेके है। सबसे बड़ा विरोधाभास मंदिरों और मस्जिदों को लेके है। मैंने कहा अच्छा नहीं रहा ना, हरिवंश राय उल्टा मानहानि का दावा और ठोक देता है। क्या देखा, अपने घर में आग लगी, दूसरों की आग को हम चिल्ला रहे हैं हमारे घर में आग लगी। जिसके कहां जिसके मकान कांच के होते हैं वे दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। हम क्या राजनीति की आलोचना करें, हमारी जैन समाज को राजनीति बताए, जैन समाज के नोट बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मुझे बहुत विकल्प आया, मैंने कि राजनीति में बढ़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है, जैन पदों के लिए चेतो जनता चेतो जागरूक रहो। पहले मैं जैनियों ही से कहता हूं, सबसे अच्छा उसको चुनो जो चुनाव में तो खड़ा हुआ है लेकिन वोट मांगने नहीं आया है, सबसे अच्छा अच्छा नेता वो है। सबसे अच्छा नेता उसे चुनो बैठ करके जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है, बहुमत लो। जैनियों के चुनाव होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए जैनियों के चुनाव। बहुमत से बैठ लाओ या सर्वसम्मति, फलाना व्यक्ति अच्छा है और वो कभी चुनाव में इंटरेस्ट लेता नहीं, सारे लोग खो करके उसके घर पहुंच जाओ, हम आपको अपना अध्यक्ष बनाते हैं। वो कहता मैं तो चुनाव में खड़ा हुआ नहीं, बोले इसलिए बनाते हैं, बोले मेरी कोई रुचि नहीं इसलिए बनाते हैं, मुझे कोई शौक नहीं मैं नहीं बनाता हूं, आपको बनना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति नहीं माने तो फिर महाराज के पास जाना, फिर महाराज के, महाराज जी वो मना कर रहा है, मैं तो अध्यक्ष उसी को बनाऊंगा और फिर मैं दूंगा टेक टू आर्डर, तुझे आर्डर आदेश है
तुझे अध्यक्ष बनना है, आहा मजा आ जाएगा। वो कहाँ अध्यक्ष बना, उसने तो गुरु की आज्ञा मानी है और आज्ञा के पूर्वक बना, ये बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, चुनाव में खड़ा भी हो जाए उससे चुनो जो वोट मांगने नहीं आया है। चलो मांगने भी आ गया मान लीजिए, तो कम से कम लेन देन तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, झूठ बोल के तो नहीं खड़ा हो गया कि हमें महाराज जी ने आदेश दिया, महाराज जी ने खड़ा किया, महाराज जी के नाम पर तुम ले दे करके, ये झूठ नहीं बोल रहा, लेना देना नहीं करना, लेना देना। अब आपको जो दोष बता रहा हूं, नीचे से संकट बता रहा हूं, छह दिशाओं से संकट, नीचे से संकट, राजनीति का संकट। आपने वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? एक नोटिस जरूर तुम्हारे पास आएगा, क्यों नहीं दिया आपने वोट? क्योंकि जितने खड़े थे मेरी दृष्टि में योग्य नहीं थे, जितने लोग खड़े थे वो मेरी दृष्टि में कोई योग्य नहीं थे, सब अयोग्य थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। बस आपका सारा अपराध माफ, आप खारिज, आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। ठीक किया आप, क्योंकि जितने खड़े थे सब बेईमान खड़े थे, सब बदमाश खड़े थे, इसलिए मैंने कोई वोट नहीं दिया, चलेगा, क्योंकि आपने अच्छा किया। मैं किसको समर्थन करूं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। बस आपका खत्म हो गया, पर आपके पास बहाना होना चाहिए, आपके पास कारण होना चाहिए मैंने किस लिए नहीं दिया। अब आपने कहा मैंने इसलिए नहीं दिया, कौन जावे कौन क्या करे, वहाँ लाइन में लगो, वहाँ ये करो, क्या लेना ना, जो बने तो बन जाए। बस आप पर महाअभियोग चालू होता है, आप अपराधी हो। अब 5 साल तक जो गलत नेता चुन करके अत्याचार करेगा, उस सब के छांटे आपके खाते में लिखे जाएंगे। वृद्ध जात जाति क्रम, राजा के वृद्ध में नहीं चलना, और वृद्ध राजा है तो क्या करोगे, वृद्ध राजा है चुनाव के समय। मैं तो कहता हूं दुनिया का कोई व्यक्ति, निम्न जाति के लोग या कोई भी व्यक्ति, वोट दे या नहीं दे, मेरा फरमान है सारे देश के लिए कि जैन जाति महाजन जाति है, जो महाजन जाति है उसे वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे वोटर अच्छे नेता को चुनेंगे, गंदे वोटर गंदे नेता को चुनेंगे, गंदे वोटर गंदे नेता को चुनेंगे, शराबी शराबी को चुनेगा, पापी पापी को चुनेगा, डाकू डाकू को चुनेगा, और अच्छे लोग अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। तो जो लोग अपने आप को अच्छा मानते हो, मोटिवेशन सारे देश के नाम, अच्छे लोग में हम जैन जाति के मन से बोल रहे हैं, इसलिए और भी जो और जाति वाले सबके लिए, जो आप अपने आप को अच्छा मानते हो या बुरा, आप गंदे आदमी हैं या अच्छे आदमी हैं, अपनी दृष्टि से बताओ, बोलो ना। आपका परिवार अच्छों में आता है गंदों में? आपकी जाति अच्छी है कि बुरी जाति? जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता हो, अपनी जाति को अच्छा मानता हो, अपने कुल को अच्छा मानता हो, उसको टैग टू आर्डर है, उसे चुनाव में वोट जरूर देना है, इसलिए कि वो अच्छा नेता चुनेगा। सेवाखेड़ा की बात, अच्छे लोगों को मौन नहीं लेना है, मौन बोले में जो पापी हो, मौन बोले में जो पापी हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके मौन रहने से देश बर्बाद होता है। इसलिए जैन समाज को किसे चुनना मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें वोट जरूर डालना है, एक वोट भी तुम्हारा महत्वपूर्ण है, और एक महत्वपूर्ण ना भी सही, लेकिन पूरे अच्छा राजा यदि चुन के आ गया, 5 साल तक जितने अच्छे कार्य होंगे
तुम्हारे खाते में शेयर कंपनी का खाता आएगा। राजा एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है, जितने वोट उसको मिले हैं राजा उतना शेयर है, राजा को सब कुछ पुण्य नहीं जाएगा। जितने वोटरों ने राजा बनाया है, अब वो जितने अच्छे कार्य करेगा कमीशन बराबर आपके वोट के अनुसार आपको आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके खाते में लगेगा। अच्छा राजा, और वोट नहीं दिया और कोई बुरा राजा चुना गया तो वो जितने बुरे कार्य करेगा, तुमने एक भी गंदा कार्य नहीं किया लेकिन आप गंदे कहलाओगे। इसलिए महाजनों से, अच्छे लोगों से आगम के अनुसार बोल रहा हूं, तुम्हें चुनते समय जागरूक रहना है। अच्छे नेता का प्रचार करना गंदे नेता का नहीं, उसके साथ रहो, साथ रहने में कोई दिक्कत हो तो अंत में वोट अच्छे नेता को देना। फोकट का कमीशन दे रहा हूं तुम्हें, फोकट का कमीशन दे रहा हूं, और नहीं डालने पर फोकट की बुराई क्यों मोल ले रहे हो? क्योंकि राजनीति का संकट नीचे से आता है। अपने नीचे की सड़क को मजबूत करो, राजा को मजबूत करो, नहीं तो जिसमें जमीन पर तुम रह रहे हो, चल रहे हो, ये राजा उसे खोखली कर देगा और तुम जाकर गड्ढे में गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, और गिर रहे हो, गिर रहे हो। परिणाम ये निकल रहा है, आए दिन हमारे क्षेत्र खतरे में पड़ रहे हैं, आए दिन हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण हो रहा है, जो चाहे देखो वो जैनी को दबा रहा है, सरकार उसके पक्ष में है, तुम्हारे पक्ष में नहीं। वो सीधी कह देती है, तुमने मुझे चुना ही नहीं, हम तुम्हारा पक्ष क्यों लें, हमें तो गंदे आदमी ने चुना है तो हम तो गंदे का समर्थन करेंगे। गंदे आदमी की वोटों से मैं जीता हूं तो मैं तो गंदे आदमी का समर्थन करूंगा, अच्छे लोगों ने मुझे वोट ही नहीं दिया। हाँ नहीं, तुम सीधा कह देते महाराज, आपकी जाति ने हमें वोट ही नहीं दिया, हम क्यों अच्छे कार्य करें, क्यों जैनियों के कार्य करें, क्यों बचाएं जैनियों का तीर्थ क्षेत्र, क्यों बचाएं जैनियों का तीर्थ क्षेत्र। ये सारे आरोप तुम्हें आए। इसलिए महानुभाव, राजनीति को गंदा मान करके छोड़ना नहीं, कितनी भी गंदी राजनीति हो जाए छोड़ना नहीं, नाली कितनी भी गंदी हो जाए उसे साफ करना है, भले उसके बाद नहा लेना। इतनी गंदी नाली महाराज हम साफ करें, आपको मालूम हम जैन हैं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, आपके भक्त हैं, आपको हार देते हैं, और ये गंदी नाली साफ करूं? ये गंदी नाली कहाँ है? बोले है तो घर की नाली है, तो घर के सामने की नाली। नीति क्या कहती है? गंदी नाली गंदी पड़ी रहने दें या साफ करें? और गंदी नाली साफ करोगे तो गंदा होना पड़ेगा, तो नीति कहती है नहा लेना ना बाद में। इसी प्रकार कितनी गंदी हो जाए राजनीति, लेकिन उसे साफ करने के लिए उतर जाना, भले राजनीति के बाद शाम को मंदिर में आके नहा लेना, आप शुद्ध हो जाओगे। हाँ तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत गंदी राजनीति में फंस गया हो, कोई बात नहीं, शाम को मंदिर में गुरु के पास आकर के स्नान कर लेना। ऐसे गंदी में साफ करने वाले लोग, यदि तुम्हारे द्वारा नाली की गंदगी साफ हो गई तो कुछ नहीं, तुम्हें शुद्ध मैं कर दूंगा, पर जाके नहा लेना, आप ज्यों के तो शुद्ध हो जाएंगे। यदि तुम्हारे वोट डालने से जो गंदा नेता गंदा पदाधिकारी जीतने वाला था और तुम्हारे वोट से वो हार गया, तो भले तुम्हें कितनी गंदगी में उतरना पड़ा हो, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, आगम शुद्ध कर देगा, नहा लेना, मंदिर में एक माला और फेर लेना। क्योंकि मैं राजनीति में गया था और गंदे लोगों को साफ करने गया था, गंदे लोगों को हटाने गया था, गंदे लोगों को साफ करने गया था, आप बहुत छोटे में शुद्ध हो जाओगे, लेकिन गंदा व्यक्ति यदि गद्दी पर बैठ गया तो महानुभाव
उसका जो अपराध होगा वो सहन नहीं कर पाओगे। धर्मशास्त्र में तत्वार सूत्र में लिख दिया वृद्ध राज्यातिक्रम, ऐसा अच्छा राजा बनाओ जिसका कभी मुझे विरोध ही नहीं करना पड़े, इतना अच्छा राजा बनाओ कि उसकी नीति कोई विरोध होगी नहीं, हम विरुद्ध में चलेंगे नहीं, ये सुरक्षा तुम्हें करना है। सब तरफ से समय समय पर और भी पॉइंट देता जाऊंगा, और अभी 15 तारीख के बाद से मैंने ये दिए हैं, नीचे मजबूत करो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीना नीचे से हराम हो रहा है। तुम बहुत महल बना के रखे हो, तुम बहुत धन कमाते हो, तुमने बहुत इज्जत कमाई है, तुमने बहुत व्यापार बढ़ाया है, लेकिन नीचे से राजनीति तुम्हें खोखला कर देगी, तुम्हें उसी मकान के नीचे दबा देगी, क्योंकि राजनीति में गंदे लोग आ गए, और जितने गंदे राजा आते हैं अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, अच्छे घरों में छापा डालते हैं, अच्छे घरों को टॉर्चर करेंगे, गंदे लोगों के लिए नहीं। इसलिए आज का समय नीचे से जो संकट आने वाले हैं उनको मजबूत करो, थोड़ा अच्छी गिट्टी भरो, अच्छे शक्तिशाली लाओ, अच्छे लोग आओ। दूसरा संकट कहाँ से है, पहले संकट पे अपन समझ चुके, देखना एक जीना कितना कठिन हो गया, एक ऊपर से संकट अपनी किस्मत से, एक किस्मत में बहुत अच्छा जन्म दिया लेकिन इतनी बुरी किस्मत है कि अच्छे से जीने नहीं देते। जैन कुल में जन्म दे दिया, अच्छे कुल में जन्म दिया लेकिन किस्मत मंदिर तक नहीं जाने देती, ये किस्मत मंदिर नहीं जाने देती, ये कर्म मंदिर में भाव नहीं लगने देते, ये पूजा नहीं करने देते। कितने जैनी हैं जिनकी किस्मत ने जैनी बनाया, कल का प्रवचन याद करो, किस्मत तुम्हें जैनी नहीं बनने दे रही है, किस्मत तुम्हारी किस्मत तुम्हें जैनी नहीं बनने दे रही, तुम्हारा कर्म कहता है जैनी जरूर है तू मंदिर नहीं जाएगा। कितने जैनी होकर मंदिर नहीं जा पा रहे, ये किस्मत की भूल। कितने पैसे वाले हैं दान दे नहीं पा रहे, पैसा है किस्मत कहती है नहीं देने दूंगा। कितनों को गरीब बना दिया, तेरे सामने मंदिर बनेगा लेकिन तू एक रुपया दान नहीं दे पाएगा, गरीब बना दिया, जैनी को गरीब बनाया, बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, जैनी को गरीब बनाया। अब जैनी तुम गरीब बना दिया, अब तुम दान दे ही नहीं सकते। जनन देव का मंदिर बन रहा है तुमने, तुम्हारी किस्मत ने जीने नहीं देगी, किस्मत जैन नहीं बनने देगी। अमीरी करेगी या पापी बनाएगी या गरीब बनाएगी, जैनी बना के अंधा बना दिया दर्शन नहीं कर सकता, जैनी बना के अंधा बना दिया किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। जैनी की आंख तो पवित्र आंख होती है, जन्म जैनी के दिया अंधा बना दिया, जन्म जैनी के दिया पैरालिसिस कर दिया, शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता जैनी बनाने के बाद। कितनी सारी किस्मत साथ नहीं दे रही। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मेरा मन करता है, जब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की घोषणा हुई कई लोगों ने कहा काश महाराज आज हमारे पास यदि पैसा होता तो एक मंदिर हम भी बोलते हैं। बना कैसे पाप की, मेरे जिनेन्द्र देव का क्षेत्र बन रहा है, मेरे गुरु के मुख से निकल रहा है क्षेत्र का नाम, और हम उसमें एक मंदिर नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा ये किस्मत का खेल है, तेरे भाव हैं आज लेकिन समर्थ नहीं,
ये किस्मत तुम्हें जीने नहीं देगी, किस्मत तुम्हें धर्म नहीं करने देगी। इसलिए मैं सदा कहता हूं, महानुभाव कुछ ऐसे पुण्य कमाओ, ऐसे पुण्य कमाओ कि किस्मत यदि जैन के लिए दी है तो जैनी बनकर के पूरी किस्मत जी सको। जिस कुल जाति में गए उतना तो पुण्य कमाओ। ये नियत पुण्य क्यों होता है? अनियत पुण्य और नियत पुण्य, अनियत पूजा और नियत पूजा जैनियों के हैं। कहीं दुनिया के दर्शनकारों ने व्याख्या नहीं की। पूज्य वज्जन सेन स्वामी महापुराण, नियत धर्म। नियत धर्म क्यों करना? नियत धर्म इसलिए करना कि उस पुण्य में इतनी कमाई आ जाए कि जिंदगी में कभी हम उस जैनत्व की रक्षा कर सकें, जैनी बन के जी सकें। क्योंकि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है और मैं जैनी बन के नहीं जी रहा है। अभी बताएं, जो कल मैंने डेफिनेशन बनाई, जैनी कितने हैं? 4-5 करोड़ मान रहे हैं। लेकिन जैनी बनकर कितने लोग जी रहे हैं? कल मैंने हाथ उठाया था, बहुत मार्मिक प्रश्न था, धर्म लाभ और धर्म वृद्धि। कितने जैन हैं और जैनी कितने हैं? जैन कितने हैं और जैनी कितने हैं? जो जैन कुल में जन्मे हैं, बलदियत जैन है लेकिन वो जैनी नहीं है, कितने परसेंट मान लो? कल बताई थी व्याख्या में, जैनी वह है जिसका मकान भी जैनी होता है, जिसकी भोजन की थाली जैनी होता है, जिसकी रसोई जैनी होती है, जिसका चाल ढंग जैनी होता है, जिसका प्रातःकाल जैनी होता है, जिसका दोपहर काल जैनी होता है, जिसका संध्या काल जैनी होता है, जिसकी दुकान जैनी होती है, जिसकी रात जैनी होती है, सड़क पर चलता है तो जैनी होता है, आँख उठती है तो जैनी होता है, कान सुनते हैं तो जैनी होता है, मुंह से बोलता है तो जैनी होता है, 24 घंटे में कुछ भी करे उसका जैनीपना झलकता है, वो जैनी कहलाता है। कितने लोग जैन हैं लेकिन जैनी बनकर नहीं जी पा रहे, जैनी बनकर नहीं जा। कल एक रसोई का कार्य कहा था, क्योंकि कल महिलाओं का प्रसंग था, महिलाएं थी तो मैंने रसोई की बात कह दी। आज पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो पुरुष की बात कह दूं, क्या आप जैनी हैं? आगरा में कितने जैनी हैं? जैनी वह है, आर्यपुत्र वह है जो भी सुबह उठकर के सबसे पहले भगवान का अभिषेक पूजन करता है। कितने जैनी हैं? 10%, 90% जैन तो हैं लेकिन जैनी नहीं। जैनी नहीं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही, भाव नहीं हो रहे उनके। कितने जैनी हैं जो रात्रि भोजन से वर्जित हैं? जैन कुल तो है, बलदियत जैन है लेकिन जैनी नहीं है। रात में खा रहे। अष्टमूल गुण स्पष्ट कहा, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन जैनी कभी रात में नहीं खा सकता। जैनी कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है, मरे तो मर जाए लेकिन जैनी रात में नहीं खाएगा। बोलो बोलो, कितने जैन रात्रि भोजन कर रहे हैं? 50 से भी ऊपर है, मुझे दिखता कहो 80-90% नहीं हो जाए जो रात्रि में भोजन त्याग किए बैठे, त्याग नहीं कर पा रहे और जैनी हैं। कितने जैनी हैं जो शराब गुटखा तमाकू नशे का, जैनी मर सकता है लेकिन नशे का प्रयोग नहीं करेगा। कितने जैनी हैं जो दुकान पर जैनी हैं? इनकी संख्या बहुत है। आज भी
हमारे देश का 99% जैनी व्यापार करता है, शराब का नहीं, मांस का नहीं, ऐसी गलत वस्तुओं का नहीं, 99% कह रहा हूँ, 100 में एक निकल आएगा। 99 लोग आज भी जैन धंधा करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन धंधे में तो फिर भी आज है, लेकिन और कार्यों में जो जैनियों का ह्रास हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जैन बनना अलग चीज है, जिंदगी भर जैनी बने रहो इसके लिए क्या करें महाराज? अगले भाव की बात बताओ, ऐसा क्या करें? दो 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 मार्ग बता रहा हूं। एक ऐसा, हर व्यक्ति को एक ऐसा कार्य करो जो अगले भाव में, हम जन्म तो जैनी के ले लोगे, ये कोई कठिन नहीं है जैन कुल में जन्म लेना, हालांकि सामान्यता कठिन है, लेकिन पूरी जिंदगी भर जैन बने रहो वो कौन सा मंत्र है? वो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र तुम्हें दे रहा हूं कि अगले भाव में तुम्हारा जैन कुल में जन्म हो और पूरी जिंदगी भर जैन बने रहो, आपको कुछ नियम आजीवन लेना पड़ेगा। जिंदगी भर जैनी बनने का दावे का कर रहा हूं, जिंदगी भर जैनी बनने का आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं, आपके जैनी के ऐसे कौन से नियम हैं जो पूरे जीवन भर, जिस दिन वो नियम नहीं पले उस दिन अन्न जल का त्याग, देव दर्शन, जैनी का प्रथम नियम, जैनी का देव दर्शन नहीं, देव पूजा। जैनियों को देव दर्शन है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा देव दर्शन जैनियों के लिए नहीं है, वो तो अजैनों के लिए है जो पूजा नहीं कर सकते। जैनियों के आवश्यक लिए देव पूजा। अगले भाव में तुम्हें पूरी जिंदगी भर में जैनी बना रहा हूं, इस भाव में तुम्हें पूजा का और अभिषेक का नियम जिंदगी भर के लिए पालना पड़ेगा। जिस दिन अभिषेक पूजन नहीं उस दिन भोजन नहीं, बस इतना सा नियम लेना है। ये नियत, ये तो करूंगा ही करूंगा, नहीं करूंगा तो भोजन का त्याग। वो जो तुमने त्याग किया भोजन का, भगवान के दर्शन और अभिषेक ना होने पर, वो तुम्हें पूरा जिंदगी भर जैनी बना के रहेगा, रखेगा भवांतरों। नियत, कोई नियम ऐसे लो, रात्रि भोजन छोड़ो, पूरे जिंदगी भर नियत नियम यम लो, कुछ ना कुछ ऐसे यम होना चाहिए जो जिंदगी में कभी टूटना नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि जिंदगी भर मैं एक सा अमीर बना रहा हूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, लेकिन जो है, जो हम जिस पिता के पास जन्मे हैं, मेरे आने के बाद संपत्ति घटना नहीं चाहिए, बढ़े या नहीं बढ़े, तीन कार्य होंगे, या तो घटेगी तुम्हारे आते ही, शास्त्रों में गवाह है। ऐसे पापी जीव आ जाते हैं जिनके गर्भ में आते ही करोड़पति रोडपति हो जाता है। धनंजय की कहानी में आता है, दुष्कृत जो होता है, जीवन धर के पुराणों में कई कथाएं लिखी है, 56 करोड़ का दीनारी जिसका बाप मां जैसे गर्भ में आया 9 महीने के अंदर सब स्वाहा हो गया, सब स्वाहा हो गया, कुछ नहीं बचा। किसी के घर में आते ही, पैर पड़ते ही कई बहू ऐसी आ जाती है, कभी कोई ऐसा जीवन में जुड़ जाता है जिसके आते ही हिरास ही हिरास होता जाता है। तुम सोचते हो कि महाराज लोग क्यों पड़ जाते हैं पीछे, नियम करो जीवन भर के लिए करो। महाराज जी भगवान का अभिषेक कर लूंगा, किसी दिन नहीं कर पाए तो काय को प्राण ले रहे हो, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, एक आध दिन कभी छूट नहीं, जिस दिन नहीं जाओ भोजन का त्याग,
महाराज जी रात में नहीं खाऊंगा, कभी एकाध दो दिन की छूट नहीं, कोई छूट नहीं। हम लोग जिद क्यों करते हैं समझ में नहीं आता, इतने निर्दयी और कठोर बन जाते हैं हम लोग। तुम लोग गुस्सा भी आता, महाराज जी का ज्यादा जिद ठीक नहीं है। नहीं, मुझे जिद करना पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा कोई हूं, तुमसे मतलब नहीं रखूंगा तो कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे लाभ दिख रहा है, मैंने अपने भक्तों को नियत दान का उपदेश दिया, कम से कम मेरा भक्त जिसके घर में जावे उसके जाने के बाद उसका हिरास नहीं होना चाहिए, उसके जाने के बाद उसका डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, उसके जाने के बाद उसकी परिवार की इज्जत कम नहीं होना चाहिए, उसके जाने के बाद उस परिवार में धंधा पानी कम नहीं होना चाहिए उसके जन्मने के बाद। मैंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा कि जन्मते ही उसके घर में, गर्भ में ही आया तभी से स्वाहा चालू हो गया। मैं घबरा गया, मैंने कहा मैं भक्तों को और कुछ दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन भक्त को इतना संस्कार जरूर दूंगा कि तू जिस घर में जन्मेगा भली वहां बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी लेकिन घटोतरी नहीं होगी, ये पक्का है। उतना बना रहे जितना तुम्हारे जन्म के पहले था, उतना बना रहे जितना तुम्हारी शादी के पहले था, उतना बना रहे जितना तुमने जिस रिश्तेदार से संबंध बनाए हैं, संबंध बनाने के बाद उतना बना रहे जितने संबंध के पहले थे। इसके लिए नियत दान, नियत दान ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, इतना तो मैं दान दूंगा जीवन भर, नहीं दूंगा नहीं रहेगा तो मजदूरी करूंगा। मैं आजकल नियत दान पे बहुत जोर देता हूं, अभी आगरा में शुरू किया नहीं, कमलानगर में करके गया था। नियत दान आज संकल्प करना है, इतना दान तो मैं दूंगा ही दूंगा, कल परिस्थिति नहीं रही तो मजदूरी करूंगा, नहीं रही तो भीख मांग लूंगा, इतनी भी सम्मत नहीं रही तो मैं अन्न जल का त्याग करके समाधि ले लूंगा, लेकिन मैं इतना दान दूंगा, इतना दान दूंगा, जीवन भर दूंगा, अंतिम श्वास तक दूंगा, इतना दान दूंगा। ये हर व्यक्ति को एक नियम लेना है, और मैं दिलाता हूं जब भगवान की अभिषेक विधि बताता हूं, नियत दान करो, साल भर में महीने का इतना दान तो दूंगा ही दूंगा, चाहे भली वो 5,000 हो, चाहे भली वो 2,000 हो, नियत दान का संकल्प जरूर कर लेना। नियत दान से क्या होगा, तुम जिस कुल में भी जन्मोगे उस कुल में जितनी तुम्हारी उस घर की संपत्ति है उससे कम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, बड़े या नहीं बड़े उतना तो बना रहेगा जितने में तुम जन्म। 56 करोड़ की दीवाने बिलाई को प्राप्त नहीं होंगी, भली 57 करोड़ नहीं होंगी, लेकिन उससे नीचे नहीं आओगे, क्योंकि आपने नियत दान दिया है, जीवन भर का नियम दिया है, घटाना नहीं उसको कभी। समाधि की बात कह दी मैंने, इससे ज्यादा नहीं कह सकता, बढ़ाने की बात सोचना। अभी तो महाराज इतना नियम लेता हूं, अगली साल फिर हुआ तो बढ़ा दूंगा। और यहां तुमने अपना नियत दान को प्रति वर्ष जितना बढ़ाते जाओगे, अगले भाव में जहां तुम जन्म लोगे तेरे पैर पड़ते ही उस घर की भी लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, दिन दूनी बढ़ती जाएगी, जैसे तू बड़ा होता जाएगा उस घर का वैभव बढ़ता जाएगा, क्योंकि तूने नियत दान बढ़ाया है, हर साल नियत दान बढ़ाया है। महंगाई भत्ता बढ़ता ना, जैसे मजदूर को 5% 2% वेतन बढ़ता ना, ऐसे ही तुम दान बढ़ाओ, हर साल वेतन बढ़ता है सरकारी भी 1% 2% जो भी बढ़ता हो, बढ़ता है कि नहीं, वेतन बढ़ता है, ऐसे महानुभाव
आपने जो संकल्प किया है प्रति वर्ष परसेंटेज बढ़ाना शुरू कर दो। 1% में प्रति वर्ष बढ़ाऊंगा। आज मैंने 5,000 बोले हैं तो अगली वर्ष कितना हो जाएगा? 1% 5 रुपया 1% 5 रुपया 50 रुपये। चलो 5,000 नहीं करके 1% कर दो, करो तो सही। बढ़ाने का क्रम शुरू, बढ़ाऊंगा 1% बढ़ाऊंगा, यानी अगली साल में 5,005 रुपया दूंगा, 50 रुपया दूंगा, जितना है बढ़ा के दूंगा। बस एक नियम करना है, चलो 5,000 पे 1 रुपया बढ़ा के दूंगा। आप तो कह दिए 1 रुपया बढ़ा के दूंगा। बस ये संकल्प कर लो, जितना इस साल दिया है अगली साल बढ़ा के दूंगा। जाओ तुम्हारी जिंदगी में जहां जन्मोगे वहां प्रतिदिन तुम्हारे संपत्ति बढ़ती हुई नजर आएगी और दिन दूनी बढ़ेगी। यहां बढ़ाइए आप दान, नियत दान में बढ़ाना है, अनियत में नहीं। नियत दान में जितना बोला है अगली साल उससे बढ़ा के देना है, बढ़ा के देना। बहुत बड़ी चीज महानुभाव बोल रहा हूं। कुछ बढ़ाओ, 1 रुपया बढ़ाओ, 1.5 पैसा बढ़ाओ, 50 पैसे, लेकिन बढ़ा के दूंगा, बढ़ाना शुरू कर दो बस। और ये क्रम बढ़ता हुआ जिंदगी भर चलता रहा है फिर तुम्हें कभी महाराजों को परेशान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी, चक्रवृद्धि ब्याज जैसी बढ़ेगी। ये है नियत दान का महत्व, जिंदगी भर एक चलती रहे। ऐसे भगवान की तुमने, गुरुओं की तुमने सम्मान करते हो, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। तुम सम्मान करते हो, ये नमोस्तु करते हो, भगवान को नमोस्तु करते हो, ये भगवान को गुरुओं को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना जितना तुमने जितने बार भगवान को नमोस्तु किया है, और नियत और ले लो कि मैं जिंदगी में नियम से 2 बार भगवान को नमोस्तु करूंगा और दिगंबर मुनि महाराज को नमोस्तु करूंगा। जाओ, ये जो तुमने इज्जत दी है, तुम जिस कुल में जन्मोगे उस कुल में तुम्हारी इज्जत जिंदगी भर बनी रहेगी। और बढ़ाते हुए किया है तो इज्जत बढ़ेगी। जितना तुम गुणवानों की इज्जत करोगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। पर नियत होना चाहिए, अनियत नहीं। नियम भी कुछ नियत होना चाहिए, अनियत नहीं। घर को भी तुम्हें पवित्र रखना है तो नियम होना चाहिए। जब जब मेरे नगर में सच्चे मुनिराज आएंगे हमारा चौका लगेगा ही लगेगा, बिना उसके हम हार नहीं करेंगे। नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए, नियत की बात है। मुनिराज आएंगे तो महाराज का हार, आवे या ना आवे, जब तक मुनि महाराज रहेंगे तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे। और जब शुद्ध भोजन करोगे तो पड़गाने में क्या आपत्ति है? करने का नियम तुम लोग बहुत, आज भी महानुभाव 4th काल था जिस समय भोजन होते थे, इतना शुद्ध भोजन करते थे कि महाराजों को बनाना नहीं पड़ता था। आज हम, हमारी मजबूरी है जो हम चला रहे हैं, कायदा से तुम्हारे यहाँ भोजन हमें करने नहीं चाहिए, समाधि लेना चाहिए, तुम भोजन देने लायक ही नहीं, तुम चौका लगाने लायक ही नहीं। लेकिन क्या करूँ, चला रहा हूँ, थोड़ी सी है इसलिए चल रहा है। वो और जिस दिन खिसक जाएगा उस दिन खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा अभी है। कायदा से शास्त्रों में लिखा है सच्चा आहार किसके यहाँ करना, जो सदा शुद्ध भोजन करता हो वही भोजन साधु को देना। सदा सदा शुद्ध भोजन, सारे परिवार के लोग कुएं से पानी पीते, सब ऐसा भी कई महाराज होता। हाँ,
पद्म पुराण में पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री रामचंद्र जी के लिए भोजन बना और भोजन करने बैठे, इतने में लक्ष्मण महाराज जी, भैया भैया महाराज आ रहे। तुरंत रामचंद्र जी ने भोजन शुरू किया नहीं था, बैठ ही रहे थे, तुरंत महाराज को पड़गान कर लिया। चौका लगा था कि लगाना पड़ा, तुरंत पड़गा लिया। जो थाली स्वयं के लिए लगी थी वही थाली उठा करके महाराज को दे दी। क्या चाहार होगा, मजा आ गया। क्या होगा, स्वयं का हार। कैसे थे पहले महाराज, इतने पुण्य आत्मा थे कि श्रावक ने अपने भोजन के लिए बनाया उसी में से दे दिया, मजा आ गया, बहुत आनंद आया। ऐसा मेरी जिंदगी में भी दो बार हुआ। एक बार एमपी में हुआ था, हम और समय सागर जी महाराज थे, हमारे बड़े महाराज थे, और दो छुल्लक थे। एकाएक हम लोग बिहार कर दिया एक गांव से, कच्चे रास्ते थे, बिना ही कहे करते थे, और हमें वो रास्ता मिल गया जिसमें साइकिल भी नहीं जाती। लेकिन ऐसे भटके, ऐसे भटके कि 11 बजे कोई नहीं ढूंढ पाया हम लोग। 11 बजे हम एक स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंच करके थक तो गए थे हम लोगों ने, और जाते ही सीधे मंदिर में, मंदिर का रास्ता भी किसी ने बताया, छोटा सा गांव था। वहां पहुंचते ही एक दो वृद्ध पूजा कर रहे थे, वे घबरा गए, ये महाराज कहाँ से आ गए। पहचानते वो लोग, सब जानते थे। वहां जाते ही हम लोगों ने सोच लिया कि अब चौका लगेगा, सामायिक के पहले हार मिलने वाला नहीं है। 11 बजे अब क्या चौका लगेगा, तो गजब गजब। मुश्किल से 15-20 मिनट हुए और वो पानी लेकर आ गए कमंडल में, बोले महाराज हार को उठिए। अब मैं डर गया, तो मैंने कहीं कहीं होटल का तो नहीं खिला देंगे ला करके रेडीमेड। मैंने कहा भैया अभी हमें समय कितना हुआ आने, इतने में चौका लग गया, इतने में चौका लग गया तुम्हारा। हम लोगों को डाउट हुआ, पूछा, बोले महाराज जी यहाँ हम सब लोग 16 का भोजन करते हैं, हाथ की चक्की का खाते हैं और पानी कुएं का फेर रहे हैं, ये 15-20 मिनट इसलिए लग गए कि हम लोग ठंडा पीते हैं आप गर्म पीते हो। बोले ये तो गर्म करने में लग गया टाइम, बाकी तो हमारा सब व्यवस्थित था, हमारे घर में चौके में सब, हम लोग सब लोग कुएं का पानी पीते, कुआ है बढ़िया गांव का। और उस दिन का आहार का आनंद आज भी याद करता हूं, आज भी याद। एक दिन हुआ राजस्थान में प्रवेश ही कर रहा था, यहीं से गया था 93 में, नाम नहीं बताता हूं, किसी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। वहां पर साधुओं को कभी चौका नहीं लगाता कोई श्रावक, पंचायती चौका लगता है, क्या करते हैं, और तुम्हारी महिलाएं आती हैं मंडल की, महिलाएं आती वो बनाती हैं और वो ही पड़गाती हैं, और सब साधुओं के हार वहीं होते हैं और बड़े महाराज के खास तौर से। हम अपन लोग तो खुले शेर हैं, तो हमने अंजलि लिए निकल गए और पंचायती चौका पहले पड़ा, तो हम तो सीधे चले जाएंगे, इससे चलेगा हमके पीछे छुल्लक जी वगैरह हैं, अपन आगे चलते हैं। आगे तो कोई चौका ही नहीं था, चौका तो वही पंचायती था, और हम बढ़ गए। सब लोग कहने लगे कि महाराज जी, फिर जो महिलाएं गुड़गुड़ाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो बड़े महाराज आते पहले पंचायती मंदिर में चौके में आते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ये तो गलत है, हम लोग सुबह से इतना मेहनत कर रहे हैं। जैसे उनका बढ़ोना चालू, तो मैंने कदम धीरे कर लिए, मैंने कहा रामायण सुनते चलो। मैंने कहा मेरे निकलते ही ये महिलाओं का क्रंदन कैसे चालू हो गया, तो मैंने धोरे तो मैंने सब सुन लिया। मैंने कहा आज तो चाहे उपवास हो जाए, इस चौके में तो नहीं जाना है, ये तो पंचायती है, ये तो चंदा चिट्ठा से,
चंदा चिट्ठा करके जिस समय साधु को भोजन करना पड़े ऐसे साधु को समाधि ले लेना चाहिए, लेकिन आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंदा चिट्ठा बाप के लिए, चंदा चिट्ठा सब भाइयों को करना पड़े, थोड़ा तुम दो थोड़ा तुम दो थोड़ा तुम दो, और बाप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चंदा चिट्ठा बाप के लिए कर रहे चार भाई इकट्ठे मिलकर, साधु के लिए चंदा चिट्ठा कर रहे इकट्ठा मिलकर। आहार दान के लिए कभी भी भोजन दान देना, आहार दान की कभी रसीद मत कटवाना, खास तौर से चौके की। कोई कहे मुनि महाराज के आहार दान के लिए दिए मत देना, महानुभाव मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं। हाँ, ग्रस्तों के लिए देना, भोजन वगैरह जो आपकी भोजन व्यवस्था होती ना, इसमें खूब दान देना। इसमें देना ही, बिना दिए हुए मत खाना, जितना खाओ उतना गुल्लक में डाल के जाओ। फोकट का कभी नहीं खाना चाहिए। जैनी को भले समाज की तरफ से भोजन व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन खाली हाथ नहीं खाना चाहिए। जितना खाया है बराबर उसके बिल बराबर गुल्लक में डाल देना चाहिए। भले किसी ने किया है तो क्या हुआ, भले किसी की तरफ से है तो क्या हुआ, उसने पुण्य कमाया, लेकिन तुम उसको कब खिलाओगे, तुरंत गुल्लक में डालो। जैनी कभी अपने रिश्तेदार के यहां भी बिना बिल दिए नहीं खाता। जैनी फोकट का खाते ही नहीं, ग्रस्त होकर कभी नहीं खाएगा, रिश्तेदारी में भी नहीं खाएगा। और क्या पुरुषों ने व्यवस्था बनाई है तुम्हारा सम्मान रखने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिश्तेदार में गया है, क्या व्यवस्था बनाई, बहुत गर्व है मुझे कि जैसे तुम दो दिन उसके यहां रुके, रुकने के बाद तुम मालूम है कितना चाय नाश्ता हुआ। तुरंत वो अंदाज से हिसाब लगा करके और तुरंत जेब में हाथ डालता है, पैसा निकाल तो काय के लिए पे? चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, पालने में बच्चे के लिए दे के आता है। हमारे जैनियों का रिश्तेदारी का काउंटर है पालना, काउंटर है बिल पेमेंट करने का काउंटर। जैसे होटल में तुम खा के आओगे तो काउंटर पर पैसा देता है, लेकिन हमारे यहाँ का काउंटर, आप चुप रहिए तुम्हें नहीं दे रहा हूं मैं, बोलते रहते कि नहीं, आप नहीं रोक सकते, बच्चे को दे रहा हूं मैं, और 500 रुपया बच्चे को दे आए। ये क्या है महानुभाव, और कुछ नहीं, ये स्टैंडर्ड तरीके से बिल पेमेंट है। मैं जैनी हूं, छत्री हूं, फोकट का नहीं खाता हूं। फोकट का दो ही व्यक्ति खा सकते, भिक्षु या भिखारी, तुम कौन हो, भिक्षु या भिखारी, तुम कौन हो, भिक्षु में ले लूं तो भिक्षु में तो तुम आओगे नहीं, तो भिखारी में ले लूं, और दो में से ये दो ही व्यक्ति फोकट का खाएंगे। अब बड़ी हो गई आफत आपकी, दो व्यक्ति फोकट का खाएंगे, भिक्षु या त्यागी वृत्ति भी आएंगे उसमें, त्यागी वृत्ति सब आ जाएंगे, भिक्षु में आते हैं, तुम नहीं खाओगे, ना तुम भिक्षु हो ना भिखारी हो। तुम जहां जाओगे खाने के बाद कुछ ना कुछ उस पालने में देके आए। तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे का ये 500 का नोट कोई काम का नहीं है, और उन्हें भी मालूम है कि ये बच्चे को नहीं दे रहे हैं, अभी मना कर रहे हैं। बता दूं ओरिजिनल, जो माताएं होती ना, तो जब तुम चले जाते हो सबसे पहले पार्ले में जाती, दे गया कुछ के नहीं, और कुछ नहीं दे के आया तो मूस खा गया सबसे। पार्ले में देखती है, आप देखना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो पुरानी महिलाओं को देख लेना, मेहमानों के जाने के बाद महिला पार्ले में जरूर देखेगी, फिर बच्चे को यूं यूं करेगी, कहीं नीचे गिर गया हो तो ढूंढेगी, और कुछ नहीं मिला, ये बद्दुआ मत लेना रे,
कहीं भी रिश्तेदारी में खा के आना, पालने में जरूर कुछ डाल के आना, वो वहां का काउंटर है, काउंटर में डाल के आओ, नहीं तो इनकाउंटर हो जाएगा। पीछे से बद्दुआ मिलेगी। डालना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ डालना दस्तूर कर दिया। इसी प्रकार ये सामाजिक भोजन होते हैं, चातुर्मासिक भोजन होते हैं, और भी भोजन होते हैं, विवाह में जो भोजन होते हैं, ये व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, बिल पेमेंट है महानुभाव, ये पेमेंट है कि मैं आपके यहां आया हूं, भोजन किया है, ये व्यवहार लिखिए, ये तरीका है, हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा तरीका बना दिया, ये व्यवहार है। किसी बारात में बिना व्यवहार के खा के मत आ जाना, जैनी हो कुछ ना कुछ व्यवहार लिखा के आना। ऐसे जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, किसी की तरफ से घोषणा है, समाज खिला रही है, आपको फोकट में नहीं खाना, मेरे भक्तों से कहना है कुछ ना कुछ वहां दे के जरूर आना। ठीक है, जितना दे सको दे के जरूर आना, फोकट में नहीं खाओगे, बस ध्यान रखना फोकट में नहीं खाओगे। कुछ ना कुछ गुल्लकें रखी रहती वहां डालना, वहां गुल्लक नहीं मिले तो मंदिर में जाके डाल देना, लेकिन डालना। और ये नहीं हो पाए तो जिस समाज का तुम खा के आए हो, एक बार उस समाज को अपने घर जरूर बुला के खिला देना, ये अंतिम तरीका। लेकिन चुकाना है, चुकाना है, एक बार फिर उसको अपने यहां बुलाओ कि नहीं साहब मैं आपके यहां भोजन करके आया था, एक बार मेरे मरने के पहले तो भोजन आपको करना पड़ेगा, काय को दंड फन में पड़ते हो, तुरंत हिसाब चुकाओ ना, कब बुलाओगे, बुला पाओगे या नहीं बुला पाओगे, तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ कि नहीं हुआ पता, तुरंत बिल पेमेंट करो, गुल्लक में डालो, दान का दान, मान का मान, सम्मान का सम्मान। दान हो गया और दान नहीं हुआ, बिल पेमेंट हो गया और हमारे लिए कोई दोष नहीं लगा। सारे भारत में परंपरा, तीनों परंपरा, समाज का चाहे महावीर जयंती का भोजन हो, आपने पानड़ी दी है तो फिर कोई बात नहीं है, आपने यदि पानड़ी दी है तो फिर चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले दे गए, पहले दो या बाद में दो, लेकिन आगे बोलो ना, पहले दो या पर देना है, बिना दिए नहीं खाना। और ये नियम तुम्हारा बना रहा तो जाओ तुम जन्मांतरों में कभी न ऐसी बीमारी होगी और न ऐसे दिन आएंगे कि तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने कहीं फोकट में खाया ही नहीं है, तुमने व्यवहार दिए बिना नहीं खाया। ये परंपरा थी, कैसे मिल रहा है। तो मैं चला गया आगे, लौटूंगा तो पूरे गांव का चक्कर लगा के लौटूंगा, गांव का चक्कर लगा के लौटूंगा। जब उनकी महिलाओं की कुड़कुड़ कुड़कुड़ना सुना ना मैंने, तो मैंने कहा कि अब लौट जाऊं, तो लोग कहे देखा चौका नहीं थे, लौटना पड़ा, जाएंगे कहा, भूखे है ना, कहाँ जाएंगे, चौका ही नहीं रहेगा। मुझे कहानी याद आ गई शास्त्रों में, कैसा एक राजा ने कहा था, हमारे राज्य तो मैं क्या करूं, 9:30 बजे मैं तो देख देख कर परेशान। मैंने 4 बार देख ली, मैंने कि मेरा मन तो कह रहा समय हो गया, लेकिन घड़ी कह रही 9:30 बजे। अभी जो मैंने समय बढ़ाने के लिए एक कहानी जोड़ी, अब जुड़ गई तो थोड़ी सी संक्षेप में करके, तो जैसे ही राजा ने कहा किसी का चौका नहीं लगेगा, हमारा चौका लगेगा, परिणाम यह हुआ कि राजा का पुण्य नहीं था, अंतराय आ गया, महाराज लौट गए और नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे चौका मिले या नहीं मिले, पूरे नगर का चक्कर लगा करके या उपवास करूंगा, उपवास तो होना ही पक्का है। चलता गया,
एक आदमी था जो पति पत्नी दोनों थे, आचार्य जी से उसने प्रतिमाएं ली थी, तो वो अपना भोजन बनाकर, दोनों मियाँ दो ही थे घर में, दोनों मियाँ भोजन अपने लिए भोजन बनाकर प्रवचन सुनने आए थे, चौका नहीं लगाया था, दोनों वृद्ध थे बेचारे, और दूर इतना था कि महाराज इतनी दूर बिहार करके आए तो इतनी दूर आएंगे नहीं, तो उसने चौका नहीं लगाया था, मार बना के प्रवचन सुनने आया था, और वो मेरे पीछे पीछे चल ही रहे थे कि महाराज के हार यहाँ होना, उन्होंने देखा ये तो महाराज आगे बढ़ गए और रोकने से भी नहीं रुक रहे, उसने समझ लिया कि ये विद्यासागर के चेले हैं, आज हो गया कबाड़ा, आज हो गया महाराज का उपवास, और महाराज आगे ही बढ़ते जा रहे, बस वो दौड़ा, वो दौड़ा, थोड़ी देर मेरे साथ चला और किसी दूसरे को करके बोले महाराज को लाओ मैं दौड़ता हूँ। वे दोनों पति पत्नी पहुँच करके अब कुछ बना तो सकते ही नहीं क्योंकि मैं पीछे ही से आ रहा हूँ, महाराज जी चलिए चलिए, एक बच्चे ने कहा चलिए, मैं चलता गया, चल डेढ़ किलोमीटर गया, और डेढ़ किलोमीटर जाने के बाद वे दोनों जने पड़गा लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उपवास नहीं होगा, उस दिन मैंने सोचा मेरे लाभांतराय कर्म का छेव सम तेज है, और पड़गा करके जो उन्होंने आहार दिया, क्या आहार था, और वो आहार देने के बाद रोने लगे, बोले महाराज जी मैंने आपके लायक थोड़ी चौका लगाया था, आज मैं कुछ नहीं बना पाया, मैंने कि आज मैंने चौथे काल का आहार किया है, सावा कपनी नहीं बनाता, क्या आनंद था उस आहार, क्या आनंद था उस आहार में, कुछ नहीं, एक भी आइटम महाराज के नाम का नहीं था, सारे आइटम किसके थे, और वो अंजलि में हार लिया। तो ऐसे दिन क्यों नहीं आ सकते, अभी समय हो गया है, अभी अपना नियत दान के ऊपर अपन बोल रहे हैं, क्यों हो जाती है, प्रसंग याद कर लो, भूमिका बना लो कल की, क्यों ऐसा होता है कि हम जैन बनकर जैन ही नहीं बन पाते, क्यों हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, आज हम अच्छे हैं कल बुरे हो जाते, आज अच्छे विचार आ रहा है कल बुरे विचार आ जाते, क्यों होता है ऐसा, इस संबंध में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। महावीर भगवान की मुनि पुंगवे, सुधा सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे